खवातीन और आज़ाद, अस्सलाम वालेकुम। मेरी पसंद की एक और बज़्म और मैं आपका मेज़बान शमून हाशमी। सरजमीन पाकिस्तान के रंग और खुशबू का इस्तारा है कि जिसकी सरजमीन में मौसीकी फूटती है, कि जिसके बहते झरनों, जिसके लहलाते खेतों, जिसके खेतों में उगने वाली गंदम और जिसके कपास के फूलों से लोक रस की वो महक आती है जो हमारी पहचान भी है और हमारी शनाख्त भी है। मिट्टी से ऐसे ही कुछ रंग चुरा कर आज की बज़्म तख्लीक की गई है और आपकी नज़र है कि जिसमें हमारे मेहमान हैं मशहूर फोक सिंगर जनाब मोहम्मद इकबाल बाहू साहब। नाम मोहम्मद इकबाल और वजह शोहरत बाहू, नाम में ये इजाफत की वजह क्या थी? ये ड्रामा वारिस की बात है, उसमें मुझे मौका मिला छोटा सा परफॉर्म करने का, तो इत्तफाक से उसमें हीर वारिस शाह गाई गई और उसी दौरान मेरी कैसेट ईएमआई ने रिकॉर्ड की और इत्तफाक से एक साइड हीर वारिस शाह, दूसरी तरफ कलाम बाहू। तो जब खुश नसीबी साथ देती है और बुज़ुर्गों की दुआएं और अल्लाह का ख़ास करम हो तो कोई ना कोई आइटम वो मंजर आम पे आ जाता है। इसमें कलाम बाहू लोगों ने बहुत पसंद किया और फिर मेरा ये हवाला बन गया कि कौन इकबाल जो कलाम बाहू पढ़ता है। तो है सुल्तान बाहू की नस्बत से आपने ये नाम का हिस्सा अपना बना लिया, अपने आपके नाम, जिसकी वजह से आप मशहूर भी हो गए। इस हवाले से ये कि आप फोक गाते हैं, हम आज की महफिल भी फोक ही से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या सुनाएंगे हमें? मियां मोहम्मद साहब का कलाम सैफुल मलूक। सैफुल मलूक। अव्वल हम सना अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर हर दा उस दा मालिक दा कम फल पुर लाउणा
मुश्किल दी कुंजिया रो, हर मुश्किल दी कुंजिया रो, मर्दां दे हाथ पाई, मर्द दुआ करण जिस वेले मुश्किल रवे ना काई। सदा बहार देस बागे, सदा बहार देस बागे, कदे खजाना आवे, होमन फैज हजारा तानी, हर भुखा फल खावे। जिस दिल अंदर इश्क न रचे जग विच रवे कहानी।